हेलो 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 बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो हेलो हाँ देखो सभी मंचा सिंह सर्व महापुरुषों को एवं पांडाल में हेलो। और आज के जो सत्संग का ये जो बाबजी आप जानते ही हो रामलाल जी महाराज के सौपुत्र, और मैं तो कहता हूँ जितने भी रामलाल जी के शिष्य हैं वो आप रामलाल जी को भीरमरी जी महाराज के अंदर ही देखना है आपको। तो इनका स्वागत हम संतों की तरफ से हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो मध्य प्रदेश से पधारे, बाप जी थोड़ा अटे पधारो, और सब संतों की तरफ से जो भीरम जी महाराज का जो माला पहरा कर स्वागत करेंगे हमारे लक्ष्मण जी महाराज। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो रामलाल जी महाराज की, कर्णपुरी जी महाराज की। एक बार ताली तो बजाओ, कोरोना भाग जाए। हेलो हेलो हाँ देखो सभी मंच पे विराजमान सर्व महापुरुषों एवं इस सत्संग गंगा की पंडाल में विराजमान सभी भक्तगणों को एव माता और बहनों को सभी को जय गुरु महाराज की हरिओम। हेलो 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 हो सतगुरुन परमात्मा सतचित आनंद रूप भगत काज देह धरे हे तारे मुनि और भूप कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद ये तन लेके भया ए बाकी गए परवा देखो या सभी समझदार लोग सभी चेतन आत्मा विराजमान है। सत्संग में जो चेतन होता है वो ही आते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब ज्यादा आग लग जाती है ज्यादा यानी हाउटी आग लग जावे तो फिर बाल्टी का पानी हो या फिर घड़ा का पानी हो बुझे को नहीं, फिर फ्राई बेगडर मशीन बुलानी पड़ती है क्योंकि उसका प्रेशर बहुत होता है, उसमें पानी भी ज्यादा होता है और प्रेशर से कितनी भी आग लगी हुई है उसको बुझा देती है वो मशीन। इसी प्रकार से फ्राई बेगडर मशीन है जो संत है कितनी भी आग लगी हुई हो उसको बुझाने का काम संत लोग करते हैं, और अपने अंदर बहुत सी तरह की आग है, कई प्रकार का ब्रह्म है अपने अंदर, जिस सभी ब्रह्म को हटा करके गुरु महाराज अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। इसलिए गुरु महाराज के सिवाय अभी महाराज कह रहे थे माधवानंद जी भगवान कि गुरु महाराज जैसी शक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है, केवल अपने को समर्पित होना बाकी है। जिस प्रकार से किसी कुएं में अगर बाल्टी गिर जाती है तो फिर बाल्टी
कोई चुमकी देने वाला आदमी है जो क्षमता रखता है, कोई चुमकी देकर के बाल्टी कुएं के अंदर से निकाल सकता है, और जो बाल्टी निकाल लेता है उसकी प्यास भी बुझ जाती है, क्योंकि बाल्टी कुएं में जाती है और पानी को खींच के बाहर लाती है। एक आदमी की बाल्टी पड़गी तो कोई आदमी चुमकी देवाड़ा लाया तो उन्हें बाल्टी के लिए चुमकी लगाई तो बाल्टी तो हाथ में नहीं आई, बाल्टी तो हाथ में नहीं आई, थोड़ी आंकड़ा की कामड़िया पड़ी थी, मैं आंकड़ा की कामड़ी जो लीन आयो पालने, तो बालने वाला ने विश्वास करियो कि वास्ते में पींदा पर तो गयो, पर बाल्टी नहीं मिली। फिर डबल चुमकी लगाई तो एक छोटो सो काचा गड़ा को फूटियो थी को गड़गो लीन आयो। फिर तीसरी चुमकी लगाई थोड़ो कीचड़ ने बाटा पींदा पर दे आयो, बालने वाला भी विश्वास हुई कि पींदा पर दे रहे हो पर बाल्टी नहीं मिली। जब सारी चीजें कुएं के अंदर से निकल जाएगी, फूटो कुंडलियों पत्थर आंकड़ा की कामड़ियां सब निकल जाएगी, तो क्या बचेगी? फिर बाल्टी। अगर चुमकी लगाता रहा तो एक ने एक दिन बाल्टी को निकाल लेगा, और जब बाल्टी निकाल लेगा तो फिर प्यास बुझ जाएगी। ये है महापुरुषों का काम, और जो जो बाल्टी निकालने की कोशिश करेगा बाल्टी अवश्य मिलेगी और उसकी प्यास भी बुझेगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आग लगी आसमान में झर झर पड़े अंगार, संत नहीं होता जगत में तो वो जल मर तो संसार। ओ माने जिनी दिनी कोई शक्ति मिली जाई, अरे वही दिन मारे ले ¡Vamos!
सत्संग तो ये मावे जोर बोलता नहीं जो कोरोना लग तो आई रो है। हाँ कोरोना को